हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हरमिंदर सैनी आज मॉडर्न कार पॉइंट पे फिर दोबारा आ गया हूँ। ये मेरी सेकंड सीरीज़ है मॉडर्न कार पॉइंट पे। इससे पहले वाली सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने कुछ आपको सुपर लग्जरी कार्स दिखाई थी जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर मैंने आपको बताई थी। तो आज मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ पर्सनल इनबॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे थार चाहिए या सेकेंड हैंड थार आप अवेलेबल कराओ। तो यहाँ पर मॉडर्न कार पॉइंट पर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो थार खड़ी हैं जो कि फुली मॉडिफाइड हैं। एक थार जो है उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन की हुई है, एक थार जो है उसमें टायर्स मॉडिफाइड नहीं है, वैसे इंटरनली वो काफ़ी मॉडिफाइड है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो खड़ी है थार, ये है 2015 मॉडल, और ये जो आप मेरे साथ मॉडिफाइड थार देख रहे हो ये है 2011 मॉडल। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाए हुए हैं, यहाँ पे कुछ लाइटनिंग वगैरह की हुई है, और साथ में इसमें अलॉयज डाले हैं। टायर्स भी इसके कुछ ठीक हैं, 60% टायर्स भी हैं इसके, और यहाँ साइड से भी कुछ इसके साइड स्कर्टिंग पे भी मॉडिफिकेशन हैं, और यहाँ पर आपको सामने से भी कुछ यहाँ पर लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो ये 2011 मॉडल है, और साथ ही में 2015 मॉडल 4x4 AC खड़ी है, यहाँ पर फुली लोडेड है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ मीटर रीडिंग की, तो ये 2015 जो है मॉडल ये है 40,000 किलोमीटर चली हुई, और ये जो 2011 मॉडल है ये 50,000 किलोमीटर चली हुई है। तो इसकी मैंने बात करी है विशाल भाई से, इसकी जो सर्विस हुई है वो बिल्कुल जेन्युइन हुई है, और अभी रिसेंटली डन दोनों की सर्विस हुई है। और आप देख सकते हो जैसे कि दोनों ही ब्रांड न्यू कंडीशन में हैं, कहीं से भी आपको इसमें मीटर टेम्परिंग नज़र नहीं आएगी, और इसकी जो सर्विस है वो अभी रिसेंटली डन हुई है। तो इसकी अगर मैं इंटीरियर्स की बात करता हूँ, उसके इंटीरियर्स भी आपको पीछे से जो उसके इंटीरियर्स मिलेंगे वो थोड़े से खुले इंटीरियर्स मिलेंगे, और ये जो 2011 मॉडल थार है इसके इंटीरियर्स आपको बिल्कुल रिच इंटीरियर्स मिलेंगे। ये देखो, इसमें आपको ईजी बहुत ही बढ़िया इंटीरियर है, और बिल्कुल लेदर टच इंटीरियर मिल रहे हैं 2011 थार में, और यहाँ पीछे भी लेदर टच बहुत ही बढ़िया सीट्स मिल रही हैं। और ये फुली एसी कार है, और बहुत ही बढ़िया इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगवाया गया है, और ये चली है 50,000 किलोमीटर विद जेन्युइन सर्विस रिकॉर्ड के साथ। और इसमें आप देख सकते हो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन भी है, चंडीगढ़ रजिस्टर्ड नंबर है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड कार है ये। विशाल भाई ने मेरे को दिखाई है, और नीचे मैट्स भी कुछ अलग ही तरीके रखे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेंटेन्ड कार लग रही है। और यहाँ से साइड मिरर साइड वगैरह सारा कुछ अच्छा है, कोई मीटर टेम्परिंग नहीं हुई है मेरे को विशाल भाई ने बताया, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में खड़ी है ये कार। और ये आप देख सकते हो इसके अलॉयज वगैरह। तो मैं बात कर लेता हूँ इसकी डिमांड की, क्या डिमांड रखी है इसके ओनर्स ने और क्या डिमांड करते हैं विशाल भाई। तो गाइज, ये मैंने आपको दिखाई दो फुली मॉडिफाइड थार, ये सेमी मॉडिफाइड है और ये जो है फुली मॉडिफाइड है। मैं प्राइस वाइज इसकी बात कर लेता हूँ, 2015 मॉडल जो थार है जो कि सिर्फ बिल्कुल 40,000 जो कि बिल्कुल जेन्युइन रीडिंग के साथ चली हुई है, उसका जो कि नॉन एक्सीडेंटल कार है, फर्स्ट ओनर है, और इसका अगर प्राइस मुझे बताया सिर्फ 6,75,000 जो कि फुली नेगोशिएबल है और विद फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है ये कार आपको। और इस कार का अगर मैं बात करता हूँ साइड में, आपको इस कार का 2011 मॉडल जो कि फुली मॉडिफाइड है, आपने इसके इंटीरियर्स देखे बहुत ही बढ़िया इंटीरियर्स थे, एंड्रिज थे, लेदर टच इंटीरियर्स थे, बहुत ही बढ़िया फुली मॉडिफाइड है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसमें लेदर टच लगा है। इस कार का प्राइस मुझे विशाल भाई ने 5,25,000 बताया है, और जो कि नेगोशिएबल है, और इसमें फाइनेंस फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल मिलेगी। तो ये जो कार्स हैं आप देख सकते हो, ये जो फुली मॉडिफाइड थार्स हैं, आप यहाँ चंडीगढ़ रजिस्टर्ड नंबर है, तो यहाँ पे अगर आप किसी साइड से आ रहे हो या कोई साइड बाय नियर बाय स्टेट से आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, डेरा बस्सी या हिमाचल से आ रहे हो, तो आपको कहीं से भी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये गाड़ी ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आउटर स्टेट्स को भी कार ईजिली प्रोवाइड कर देते हैं। और आप यहाँ मेरे साइड में देख सकते हो बहुत सारी कार्स हैं, ये यहाँ पे SUV खड़ी है, यहाँ पे कुछ कॉम्पैक्ट, यहाँ पे मैं सिडान की बात करता हूँ, होंडा है, टोयोटा है, काफ़ी यहाँ पे सिडान सेगमेंट की कार भी खड़ी है, और पीछे पॉश सेगमेंट की कार भी खड़ी है। तो सभी कारें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप मुझे कमेंट में बताते जाइए कि आपको किस सेगमेंट की कार और कितनी आपकी प्राइस रेंज है, तो वो मैं सेगमेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियोज़ लेके आता रहूँगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।